अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी उर्दू की टीचर, उर्दू लैंग्वेज में #2 में हम काम करेंगे। #2 में हमारे पास है सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 2 की पढ़ाई और लिखाई। उर्दू लिटरेचर की कॉपी अलग है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास उर्दू की जो दूसरी कॉपी है उसमें आप लोग लिखेंगे उर्दू कवायद, ठीक है। उसके बाद मीकात अव्वल का टाइटल बनाएंगे और टाइटल बनाने के बाद सफ़ा नंबर 1 जो मैंने याद करने को दिया था, सफ़ा नंबर 1 पर आपके पास है हुरूफ तहजी, ठीक है। वो आप लोग ज़बानी लिखेंगे अपनी उर्दू की कापी में, हम्द जिसमें हम्द का काम किया है उस कापी में नहीं, दूसरी कापी में करना है, ठीक है। हुरूफ तहजी आप लोग ज़बानी लिखेंगे। और अब हमारे पास है सफ़ा नंबर 2 की पढ़ाई और लिखाई। सफ़ा नंबर दो में है आपके पास, यहाँ पर अलिफ, अलिफ मद आ, ठीक है, बे भे, जिनकी भारी आवाज़ निकलती है उनका यहाँ देखें बे के साथ दो चश्मे वाला है बनाया है, ठीक है। बे पे फे, ते थे, टे ठे, से, इसकी भारी आवाज़ नहीं निकलेगी। उसके बाद है जीम ज, चे च, है खै, दाल द, डाल ड, जाल, जाल की भारी आवाज़ नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है रॉ, रे, रॉ, ठीक है। अड़े रा, जे जे, सीन शीन, स्वाद स्वाद, त्वा ज्वा, आइन गईन, फा कौफ, काफ कह, काफ के साथ दो चश्मे वाला है मिलाएंगे कह, गाफ गह, लाम लह, मीम मह, नून नह, वाव हा, हमजा छोटी है और बड़ी है। अब यहाँ देखें ऊपर आप लोगों के पास लिखा हुआ है, आप लोग इसी तरह नीचे लिखेंगे। ये देखें मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अलिफ, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है अलिफ। उसके बाद आप लोग वन फिंगर का स्पेस देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे अलिफ मद आ, यहाँ पे आ गया अलिफ मद आ। उसके बाद लिखेंगे बे बे, उसके बाद भारी आवाज़ के साथ भे, ठीक है, पे पे, ठीक है। इसी तरह आप लोग ये पूरा काम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जैसे ऊपर लिखा हुआ है आप लोगों को एज इट इज़ नीचे ही लिखना है। अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर से के बाद यहाँ पर मैंने से तक ही लिखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, जो दूसरी लाइन शुरू हुई है जीम से, तो मैंने जीम वाली लाइन यहाँ से नीचे से ही स्टार्ट की है। एक साथ मैंने नहीं लिखा, यहाँ देखें मेरे पास जगह थी लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखा, दूसरी लाइन मैंने नीचे से स्टार्ट की है। आप लोग भी इसी तरह ही कीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग काम मुकम्मल कीजिएगा। और अब आप लोगों के पास घर का काम है, सफ़ा नंबर 2 भारी आवाज़ें पढ़ाई करें। अब आप लोग ये काम जब मुकम्मल कर लेंगे तो इसकी पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।